चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम में दिया गया है कि ये फिगर देखिए और एक्स और वाई पहचानिए। एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, 3y+5 डिग्रीज, ये एंगल है। और ये दो जहाँ पर भी एरो है वो दो लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है और ये नीचे की जो लाइन सेगमेंट है, इनको रेफरेंस करने के लिए मैं पहले इनको नाम दे दूंगा। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एज पर दिस फिगर जो भी एरोस है इस लाइन सेगमेंट पे वो पैरेलल्स है। तो इसका मतलब डी सी और ए बी दोनों पैरेलल है। तो हमें पता क्या करना चाहिए, एक्स एक्स और वाई मालूम करना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट वी विल टारगेट दिस ट्राइंगल। सो लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल हम कंसिडर करें तो हम क्या रूल लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। सम ऑफ ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसमें एक एंगल दे दिया है जो 52 डिग्रीज है, जो यहाँ पे दूसरा एंगल पे ये सिंबल डाला है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्रीज है। और तीसरा एंगल नहीं दिया है, वो 3y+5 डिग्रीज है। तो ये एक अननोन है, एक इक्वेशन आ जाएगा, आराम से अननोन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट दैट। सो एक एंगल है 52 डिग्रीज प्लस दूसरा एंगल है 90 डिग्रीज और तीसरा एंगल है 3y+5 डिग्रीज। ठीक है, इसका सम होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो हम इसको थोड़ा ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3y = 52 + 90, ये हो जाएगा 142। 142 + 5, ये हो जाएगा 147 डिग्रीज = 180। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने पर 3y = 180 - 47, 147 सॉरी। तो ये सबट्रैक्शन मैं साइड में कर लूंगा, 180 - 147। तो ये यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, ये होगा 7, 7 - 4 इज 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। सो आई गेट 33। सो 3y 33 है, इसका मतलब y की वैल्यू होगी 33/3 जो 11 डिग्रीज। सो y की वैल्यू आराम से आ गई जो 11 डिग्रीज। अब ये x की वैल्यू फाइंड मुझे करना है, तो मैं कैसा करूँगा? सो x की फाइंड मान लो, x की वैल्यू मालूम करने से पहले हमें एक लॉजिक लगाने की जरूरत है। ये दो जब भी दो लाइंस पैरेलल जा रहे हैं और एक ट्रांसवर्सल आप बीच में उतारते हैं, लेट अस अज्यूम दो लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में आप एक ट्रांसवर्सल उतारा है जो एक 90 डिग्रीज है यहाँ पे। तो अगर ये 90 डिग्रीज है तो इसका जो है ये एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपोजिट साइड की जो अल्टरनेट है वो सेम हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल। अगर ये 90 है तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। सो देयरफॉर जब भी आप एक राइट एंगल वाला ट्रांसवर्सल एक को इंटरसेक्ट करता है तो दूसरी जगह भी है, दूसरे पैरेलल लाइन को भी ये 90 डिग्रीज ही बनाएगा। तो इसका मतलब अगर एंगल हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल हम मेजर करेंगे, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम का जिस्ट है, ये प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट बैकबोन है ये इंफॉर्मेशन। ओके, तो वंस वी नो दिस इंफॉर्मेशन, सो फ्रॉम दिस एंगल वी नो 3y+5, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सो 3y+5 कितना होगा? सो y इज इक्वल टू, वी ऑलरेडी हैव y इज 11। सो इफ y इज 11 देन व्हाट विल बी 3y+5? 3y+5 विल बी इक्वल टू 3 × 11 + 5 व्हिच इज गोइंग टू गिव यू 33 + 5, 38 डिग्रीज। सो दैट मींस दिस एंगल व्हिच इज प्रेजेंट हियर 3y+5, इसकी वैल्यू है 38 डिग्रीज। तो ये 38 डिग्री, ये एंगल और यहाँ का जो अननोन एंगल है, लेट अस अज्यूम ये जो ये ट्राइंगल में हमें एक्स डिग्रीज दिया है, दूसरा एंगल 65 दिख रहा है, तीसरा एंगल इसने नहीं दिया है। तो तीसरा एंगल हम समझेंगे जेड। ओके, सो ये जेड एंगल जो है कैसा आएगा आपको? जेड एंगल है ये 90 डिग्रीज में से जब आप 38 निकाल दोगे, क्योंकि वो तो जेड एंगल प्लस 38 दोनों को मिला के 90 डिग्रीज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जेड और 38, तो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो वहां से हम z की वैल्यू ला ले सकते हैं। सो देयरफॉर एट पॉइंट सी, लेट मी राइट इट, एट पॉइंट सी क्या होगा? z प्लस 38 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री, z एंड 38 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे z की वैल्यू आ जाएगी, z विल बी इक्वल टू 90 - 38।
सो लेट मी सब्ट्रैक्ट अगेन, 90 में से 38 निकाल देंगे, 10 में से 8 गए तो 2, ये बन जाएगा 8, 8 में से 3 गए तो 52, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 52 डिग्रीज। तो यहाँ पे मुझे ये एंगल आ गया है, ये 52 डिग्रीज। एक्चुअली इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको दूसरे तरीके से भी हम ला सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल, अगर हम ये सी ट्रांसवर्सल देखेंगे तो इसका ये साइड अगर 52 है तो उसका अपोजिट अल्टरनेट भी 52 रहेगा, वैसा भी हम ला सकते थे। ओके बट डजेंट मैटर। ओके सो तो ना वहाँ पे ये सेकंड एंगल, सेकंड ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी डी में हमें एक एंगल 65 है, दूसरा 52 है, तीसरा एक्स है, तो हमें एक्स पॉइंट करना है। तो फिर हम एंगल का वो लगाएंगे, सो ये एंगल का नाम क्या देंगे, ये फिगर का नाम, लेट मी कॉपी दिस फिगर, मुझे कॉपी कर लेने दीजिए। सो आई विल ट्राई टू कॉपी दिस। लेट मी पेस्ट इट हियर। ओके, रेफरेंस करने के लिए आसानी होगी इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम रेफरेंस करके ये एंगल, आप ये ए सी डी वाला, सो कंसीडरिंग ट्रायंगल ए सी डी, नाउ कंसीडरिंग ट्रायंगल ए सी एंड डी, सम ऑफ ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल टू डिग्रीज, व्हाट आर द सम ऑल द एंगल्स विच आर प्रेजेंट देयर, एक तो 65 डिग्रीज है, दूसरा एंगल है 52 डिग्रीज, और तीसरा जो है एक्स डिग्री जो कि अननोन है, इन सब का सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। 65 और 52 अगर मैं ऐड कर लूँ, ये हो जाएगा 7, 6 और 5 11, सो आई हैव 117 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो इसका मतलब मुझे एक्स हो जाएगा 180 माइनस 117। सो 180 में से 117 अगर हम निकाल देंगे, इसमें से 73 ये हो गया 7, 7 में से 16, 63 डिग्रीज, सो तो एक्स विल बी इक्वल टू इधर हियर इटसेल्फ विल राइट इज इक्वल टू 63 डिग्रीज, सो देयरफॉर एक्स इज 63 एंड वाई वी गॉट 11, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर मिलेंगे अनदर प्रॉब्लम के साथ। ओके।